गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर सेवन डेसिमल स्टार्ट किया हुआ है आज हम इस चैप्टर में ऑपरेशंस विद डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे ये ऑपरेशंस एडिशन और सब्ट्रैक्शंस दोनों के सम में लगते हैं ठीक है, है? देखिए ऑपरेशंस विद डेसिमल्स इसको समझिए तभी हम सम्स को इजली कर पाएंगे एडिंग एंड सब्ट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसीमल फ्रैक्शंस एडिंग एंड सब्ट डेसीमल फ्रैक्शंस देखिए क्या कह रहा है वो वी एड एंड सब्ट डेसिमल फ्रैक्शन इन द सेम वे वी एड एंड सब्ट्रैक्ट होल नंबर्स कि वो कह रहा है वी एड एंड सब्ट डेसिमल फ्रैक्शन हम डेसिमल फ्रैक्शन को उसी तरह से एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इन द सेम वे वी एड एंड सब्ट होल नंबर जिस तरह से हम होल नंबर को एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड इन थिंग्स को हमें माइंड में रखना है जो हमें थिंग्स दी हुई है, हैं इनको हमें माइंड में रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेक श्योर दैट ऑल द डेसिमल पॉइंट इन लाइन मेक श्योर दैट ऑल द डेसिमल पॉइंट्स आर इन लाइन हमें श्योरिटी रखनी है कि सारे डेसिमल पॉइंट कहाँ हो लाइन में लाइक like ये ये नहीं एक डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ है और एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, पर है नहीं सारे लाइन में होने चाहिए द डिज़िट ऑफ ईच प्लेस जो ईच प्लेस के डिजिट होते लाइक टेंस टेंथ और हंड्रेड शुड बी इन लाइन और ये डिजिट होनी चाहिए वो भी लाइन जैसे देखो वंस के नीचे वंस डिजिट टेंथ के नीचे टेंथ डिजिट और हंड्रेड के नीचे हंड्रेड वाली डिजिट टेंथ्स के नीचे वाली डिजिट ये हंड्रेड्स वाली या थाउजेंड्स वाली और ये इंट्रीगल पार्ट होता है ये डेसिमल पार्ट होता है और ये डेसीमल्स होते हैं आपको बताया था मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में इन सब्ट्रैक्शन सम अभी सब्ट्रैक्शन की बात करें द लार्जर नंबर मिनवेंट शुड हैव एटलीस्ट द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द स्मॉलर नंबर वो कह रहा है कि जब हम माइनस करते हैं सब्ट्रैक्शन के समय जो लार्जर नंबर है और जो स्मॉलर नंबर है दोनों के सेम प्लेस तक डिजिट तो होनी चाहिए अगर फॉर दिस यू हैव टू पुट इन जीरोस एट द एंड ऑफ इट्स डेसिमल पार्ट अगर नहीं है तो आपको ज़ीरो पुट करनी पड़ेगी ये आपको एग्जांपल की हेल्प से क्लियर होगा मैं आपको क्लियर कराऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले प्लस का देखते हैं मिस एडिशन का ये एडिशन का साइन है फाइंड सिक्सटी टू पॉइंट सेवन नाइन प्लस जीरो पॉइंट थ्री जीरो एट फाइव प्लस सेवन प्लस टू हंड्रेड एट्टी फोर पॉइंट टू फाइव फोर इनको हमें प्लस करना सबसे पहले आप लिखो सिक्सटी टू पॉइंट सेवन नाइन ठीक है लिख दिया नेक्स्ट थिंग लिखो ज़ीरो पॉइंट पॉइंट है ना तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया तो पॉइंट से पहले क्या बचा ज़ीरो ज़ीरो यहाँ आ गई थ्री जीरो एट फाइव लिखते जाओ थ्री ज़ीरो एट फाइव नेक्स्ट सेवन है डेसिमल वाला पार्ट तो नहीं इंट्रिकल पार्ट है और सिर्फ वन डिजिट दे रखे तो सेवन सिर्फ यहाँ आ जाएगा यहाँ डेसिमल लग जाएगा और जिसके साथ कुछ नहीं है वहाँ पे क्या लग जाएगा जीरो टू हंड्रेड एट्टी फोर टू हंड्रेड एट्टी फोर इंट्रिकल पार्ट इधर जाएगा फोर एट टू टू हंड्रेड एट्टी फोर डेसीमल टू फाइव फोर टू फाइव फोर सेम आपको ऐसे करना अभी करना है प्लस देखिए फाइव के यहाँ पे कुछ नहीं है फाइव एज इट इज एट में फोर प्लस करोगे ट्वेल्व टू यहाँ पे और वन कहाँ जाएगा कैरी नाइन और फाइव फोर्टीन होते नाइन में फाइव प्लस करोगे फोरटीन और वन कैरी फिफ्टीन फिफ्टीन का फाइव यहाँ वन कैरी सेवन थ्री टेन और टू ट्वेल्व ट्वेल्व और यहाँ वन हमने कैरी दिया था थर्टीन थर्टीन का थ्री और कैरी यहाँ पे ये डेसिमल एज इट इज़ टू में ज़ीरो प्लस करोगे तो क्या रहेगा टू प्लस सेवन टू प्लस सेवन नाइन थर्टीन और वन कैरी फोरटीन फोर यहाँ पे और वन कैरी सिक्स और एट ये दोनों हैं फोर्टीन होते हैं फोरटीन और वन कैरी फिफ्टीन फिफ्टीन का फाइव और वन कैरी टू और वन थ्री इस तरह से आपको एडिशन करनी है ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूं अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे लेकिन आपको इस चीज़ समझ आनी बहुत ज़रूरी है इसीलिए पहले मैंने ऑपरेशन स्विच डेसिमल के आपको डिटेल दिया बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराया है ये तो अब हमने एडिशन में किया अब हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं देखिए सबट्रैक्शन में सबट्रैक्ट जीरो पॉइंट सेवन जीरो एट फ्रॉम नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव मतलब नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव में से आपको जीरो पॉइंट सेवन जीरो एट माइनस करना है आप लिखिए पहले नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव ठीक है उसके बाद सब करना है जीरो पॉइंट सेवन जीरो एट जीरो पॉइंट सेवन जीरो एट अभी मैंने आपको पढ़ाया था द लार्जर नंबर शुड हैव एट लीस्ट द सेम नंबर ऑफ डेसीमल प्लेसेज एज अ स्मॉलर नंबर कि लार्जर नंबर के पास उतने ही डेसिमल प्लेसेस उतने ही डिजिट होनी चाहिए जैसे स्मॉलर नंबर में है ठीक है तो अब यहाँ लार्जर नंबर में डिजिट कम है तो हम जहाँ पे डिजिट नहीं है वहाँ हम क्या लगा देंगे ज़ीरो क्या लगा देंगे ज़ीरो अब ज़ीरो में से एट माइनस नहीं हो सकता और यहाँ पे भी ज़ीरो है तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे बोरो ये बोरो लेगा इससे और ये बोरो देगा इसको यहाँ बन जाएगा टेन टेन में से एट माइनस करोगे टू इसने इससे बोरो लिया था और फिर इसको दे दिया था तो यहाँ क्या रह जाएगा नाइन नाइन में क्या रह जाएगा नाइन नाइन में से ज़ीरो माइनस करोगे तो क्या आएगा नाइन यहाँ पे इसने इसको बोरो दे दिया था तो फोर रह गया था फोर में से सेवन माइनस नहीं होता यहाँ से ले लो बोरो ये नहीं है कि डेसिमल है तो हम बोरो नहीं ले सकते हम बोरो लेंगे फोर्टीन बन जाएगा फोर्टीन में से सेवन माइनस करोगे सेवन ये डेसिमल एज इट इज यहाँ पे टू रह गया था इधर इसने बोरो दिया था टू में से जीरो माइनस करोगे टू ये क्या रहेगा नाइन का नाइन क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो आंसर आएगा नाइन्टी टू पॉइंट सेवन नाइन टू देखो इसने आप बता भी रखा है नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव को हम कैसे लिखेंगे नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव जीरो जीरो क्योंकि बोथ नंबर में डेसिमल के बाद नीचे वाले नंबर में थ्री प्लेसेस हैं तो हम दोनों नंबर को थ्री डेसिमल प्लेसेस तक लाएंगे इसी तरह से आपको पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है फिर हम क्वेश्चंस करेंगे Thank you. Have a nice day.